हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। फडणवीस दिल्ली हुए रवाना। महाराष्ट्र की सियासत में छाए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि तत्काल कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बावजूद बागी विधायकों को कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। गुवाहाटी पहुंचे 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर डिप्टी स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस पर 12 जुलाई तक कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। इस बीच महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जबकि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज शिवसैनिकों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे शाम 6:30 बजे शिवसैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बागी एकनाथ शिंदे को भाजपा डिप्टी सीएम बना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शिंदे गुट के 8 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 5 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा और शिंदे का गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। शिंदे गुट से 8 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वहीं 5 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर बागी विधायकों का बिना नाम लेते हुए लिखा, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने बागी विधायकों को जिंदा लाश कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, गुवाहाटी में वो 40 लोग जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। उनके इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की रिपोर्ट।